हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको कुछ सबसे पहले जब केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको उस कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है मैटर से, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है उसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं। अब व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, ठीक है। तो अगर हम मैटर की डेफिनेशन देखें तो मैटर क्या है, एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कोई भी चीज़ हमारे आसपास की, कोई भी चीज़ जिसके पास एक पर्टिकुलर मास है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे हम मैटर कहते हैं। यानी या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आसपास में जितनी भी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है या इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है जिसे हम फील कर सकें, हमारे सेंसेस उसे जिसे फील कर सकें और उनका कोई पर्टिकुलर मास है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैटर है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखो तो आपके आसपास ही आपको इतनी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिसे हम मैटर में कंसीडर करते हैं, लाइक बुक, टेबल, चेयर, पेन, एयर। आपके घर, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, एयर को आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आप उसे फील कर सकते हो। दैट मीन्स कि एयर का एक पर्टिकुलर मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो एयर भी आपका मैटर है। वाटर, सो मैनी थिंग्स, जो भी आपके आसपास चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी चीज़ें मैटर में कंसिडर होती हैं। तो आप कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में ये जो पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना हुआ है, मैटर से मिलके बना हुआ है। और मैटर किस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सभी में केमिस्ट्री प्रेजेंट है। तो केमिस्ट्री की नॉलेज होना हर किसी को बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में केमिस्ट्री है क्या और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि कोई भी चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है या हमारे सेंसेस उसे अगर फील कर रहे हैं तो वो होगा मैटर, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बुक, टेबल, चेयर, पेन, एयर, वाटर, चॉक, एनीथिंग जो है वो आपका मैटर में कंसीडर होता है, ठीक है। अब मैटर को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, यानी मैटर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसा है, उसके बेसिस पे हम उसे फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल कंपोजिशन क्या है मैटर का, किस किन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं जिसे हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन, एज आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज़ कि मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सॉलिड का मतलब क्या होता है कि एनी मैटर दैट हैज़ डेफिनेट शेप, यानी एक सॉलिड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। मतलब सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। लिक्विड में आपका यही चीज़ जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होगा बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे हम लिक्विड स्टेट कहेंगे। एंड गैसेस स्टेट में जो है ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसे हम गैसेस स्टेट में कहेंगे, ठीक है। तो ये आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज़ मिक्सचर, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन, देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज़ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, एंड मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट, एज वी नो दैट सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, उसका एक शेप भी डेफिनेट होगा, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, जस्ट लाइक वुड, टेबल, रॉड, कॉमन सॉल्ट, सुगर, पेन, ये सारे क्या है, इनका एक पर्टिकुलर शेप है और पर्टिकुलर वॉल्यूम है जिसे हम सॉलिड स्टेट से डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या होता है, अ लिक्विड स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक
ठीक है। जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लें कि वाटर को अगर हम किसी भी कंटेनर में रखें, अगर आप ग्लास में रखते हो तो वो ग्लास का शेप लेता है, अगर आप उसे किसी टब में रख दो तो वो टब का शेप ले लेगा। तो मतलब डेफिनेट वॉल्यूम तो है। अगर आपने 5 लीटर वाटर को किसी टंकी में रखा है या किसी टैंक में रखा है तो वो उस टैंक का शेप लेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका 5 लीटर ही होगा। अब उसी 5 लीटर वाटर को उठा करके अगर मैं किसी बकेट में डाल दूँ तो वो बकेट का शेप लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिफाइंड रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो लिक्विड स्टेट का मतलब है इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। और इसके एग्जांपल में आपका वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, जो भी लिक्विड स्टेट में आपका मैटर प्रेजेंट है उसको हम लिक्विड स्टेट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी गैस जो ना ही उसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है, मतलब दोनों ही चीज़ें उसमें लैक हैं, तो इसका मतलब कि वो गैसियस स्टेट है। लाइक एयर, एयर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैसियस स्टेट। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितनी भी गैसेज हैं वो गैसियस स्टेट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज़ द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी मैटर हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं, पार्टिकल से, ठीक है। यानी पार्टिकल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैटर के पार्टिकल नेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड का। सॉलिड का एग्जांपल आप पार्टिकल नेचर कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दैट मींस कि अगर आप किसी सॉलिड का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है या जो इनके बीच का में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर इनके बीच में स्पेस होता है। दे आर क्लोजली पैक्ड, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स वो बहुत स्ट्रांग होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते। तो अगर इनमें जनरली सिर्फ क्या होगा, वाइब्रेशन होता है, दे कैन शो वाइब्रेशंस, ठीक है, ये वाइब्रेट करेंगे, एक जगह पे वाइब्रेट करेंगे, बट दे कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकते। तो इनमें सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होता है, ठीक है, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स एंड क्लोजली पैक्ड, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। दैट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है। तो पार्टिकल की अरेंजमेंट फिक्स्ड होने की वजह से दे हैव डेफिनेट शेप, और डेफिनेट शेप है तो डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो ड्यू टू फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल दे आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, इनका जो होगा ये बिल्कुल फिक्स होंगे और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेंगे जो मैटर है उसको, ठीक है। इस वजह से इनको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है, दे हैव रेगुलर एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दे हैव रेगुलर और फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सो इनको जो पार्टिकल्स होने की वजह से इन्हें हम कहते हैं कि ये लैटिस है, इट इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। पार्टिकल्स इन सॉलिड इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस, ठीक है। तो ड्यू टू क्लोजली पैकिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इट इज़ द पार्टिकल नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड
लिक्विड का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, पार्टिकल स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, दैट मीन्स दे आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स है, एंड इंटर पार्टिकल पार्टिकल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीक. इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है वो वीक फोर्स होता है, ठीक है. और क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, ठीक है, गैप बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में गैप होने की वजह से इनका जो फोर्स होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो जो फोर्स होगा इनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स वो भी वीक होगा. दे आर लूजली पैक्ड एंड काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दे हैव नॉट डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है. इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप इसलिए नहीं है क्योंकि ये रीजंस हैं, लूजली पैक्ड है, पार्टिकल फोर्स वीक है, और इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर आप इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कह सकते हो या जो गैप कह सकते हो वो भी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से इनका शेप जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता, ठीक है. थर्ड इज गैस, गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में क्या होगा कि अगर आप गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स को देखें तो अगर आप गैस को किसी भी कंटेनर में डालते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो क्या होगा कि उसके जो पूरे पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, ठीक है, या वो किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टे ना करके वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएंगे. इसके लिए इसका रीज़न क्या है कि जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो होता है गैप बहुत ज़्यादा होता है, यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से दे हैव वेरी वीक कह सकते हो आप, वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्स, बहुत ही वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, इनके बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता, शेप दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है. तो ये इसका पार्टिकल नेचर हो गया कि पार्टिकल, क्योंकि सारे मेटल्स पार्टिकल से बने हुए हैं तो पार्टिकल्स के बीच के कैसा इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स है वो डिसाइड करता है कि उनका शेप कैसा होगा और वॉल्यूम क्या होगा. जैसे मैटर आपका सॉलिड में दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड और एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनके बीच गैप बहुत कम होता है, इसलिए इनके पास शेप जो है वो डेफिनेट शेप है. लेकिन लिक्विड में क्या होगा कि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में है वो गैप होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड, थोड़ा सा गैप होता है, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो भी वीक हो जाता है, इसकी वजह से शेप जो है वो इनका डिफाइन नहीं हो सकता. और गैसेस स्टेट में ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल्स ईजली एक दूसरे से दूर मूव करते हैं. तो जब आप किसी कंटेनर में गैस को फिल करते हो तो वो गैस उस पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाती है, जितना स्पेस उसको मिल सकता है उस पूरे स्पेस में वो ऑक्यूपाई हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका ना कोई डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है. आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. नेक्स्ट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन वी कैन क्लासिफाई द मैटर इंटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज अ प्योर सब्सटांस
एंड सेकेंड इज मिक्सचर. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो कोई भी मैटर जो है वो उसे हम प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे? जब आपका मैटर जो है किसी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. दैट मीन्स दीज प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से अगर आपका सब मैटर बना हुआ है तो दे आर कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. ठीक है. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैटर के या प्योर सब्सटेंस के उनका जो केमिकल नेचर होता है वो सेम होता है. जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा. ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं. अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि वाटर एंड ग्लूकोज हाउ कैन बी दीज टू एलिमेंट्स और दीज टू मैटर्स आर प्योर सब्सटेंस. क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है. इसी तरह से ग्लूकोज जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है. तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. तो इन्हें हम प्योर सब्सटेंस कैसे कह सकते हैं? तो इसका भी आंसर है कि इन्हें हम प्योर सब्सटेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वाटर और ग्लूकोज है या सॉल्ट है आपका NaCl, ये क्या है कि ये तभी फॉर्म हो सकते हैं जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स करें. ठीक है. तो जब आप फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तब जाके आपका वाटर बनता है. तो जब हम सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस कैसे कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर फिक्स्ड रेशियो में मिक्स हो रहे हैं तो उससे जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो प्योर सब्सटेंस होता है. तो ऑल द अदर प्योर सब्सटेंस बिहेव एज अ सिंगल सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन. फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से हम इन्हें प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं. ठीक है. एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड से आप इन्हें सेपरेट ना कर सको तो वो प्योर होंगे. जैसे सिंपल फिल्ट्रेशन से आप इन्हें अगर सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से, इवोपरेशन से या सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस कैसे है कि अगर आप वाटर को फिल्टर करते हो तो फिल्टर करने के बाद जो आपको वाटर मिलता है वो वाटर ही होता है, H2O ही होता है. ऐसा नहीं होता कि फिल्टर करने के बाद हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया. या जब हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन करने के बाद भी जो हमें कंपाउंड मिल रहा है वो वाटर ही मिलता है. इवोपरेट करते हो तो जो वेपर्स निकलते हैं वेपर्स भी वाटर ही होते हैं. ठीक है. वो वाटर वेपर्स होते हैं, उसमें उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है. ठीक है. या अगर आप इसे फ्रीज कर दो, वाटर को फ्रीज कर दो, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन आइस में भी कन्वर्ट होने के बाद जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर H2O ही रहता है. दैट मीन्स कि किसी सिंपल मेथड से अगर हम किसी सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा प्योर सब्सटेंस होगा. ठीक है. तो अगर फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन में कोई सब्सटेंस मिक्स होकर के कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं या कोई सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और जिसे हम किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसे प्योर सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस? दे दी सब्सटेंस आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और दे कैन फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ केमिकल नेचर मटेरियल या फिर मैटर, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं. यानी अगर फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है तो दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. जैसे अभी वाटर हमारा कंपाउंड है, ग्लूकोज हमारा कंपाउंड है, तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज अ एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड. एलिमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक से 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है या आप कह सकते हो कि पूरे अर्थ सरफेस पे जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो इन्हीं 118 एलिमेंट्स से बनी हुई हैं.
हर चीज़ कुछ भी आप देख लो, कुछ भी डिस्कस कर लो, उसमें आपका जो भी चीज़ बना हुआ है वो यही 118 एलिमेंट से बना हुआ है। सिर्फ इनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, और जब कंपोजिशन चेंज होती है तो हम उसी को क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए कंपाउंड्स मिलते हैं। बट सभी में कंपोजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो यही 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपका जो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यानी नेचुरली प्रेजेंट हैं हमारे यूनिवर्स में। और इसके अलावा जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं, यानी आर्टिफिशियल कह सकते हो या मैनमेड एलिमेंट्स कह सकते हो। तो 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट हैं, इसके अलावा जो बच गए वो ह्यूमन हमारे साइंटिस्ट ने उनको प्रोड्यूस किया है, या फिर कह सकते हो वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए। तो सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं कि एलिमेंट होता क्या है। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर एलिमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। यानी किसी भी प्योर सब्सटेंस को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, वो हमारा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और इसे आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, या इसे आप बना नहीं सकते, बिल्ट नहीं कर सकते, तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीज एंड सो मैनी एलिमेंट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला कैटेगरी है हमारा मेटल, 80% एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने 118 एलिमेंट्स की बात की, तो उसमें 80% जो है वो मेटल है, इसके अलावा जो बच गए वो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर ब्राइट लस्टर, हार्ड होते हैं, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और ये मलाइबल होंगे, डक्टाइल होंगे, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का मतलब क्या है, दे आर नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। जैसे हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या आप उसे कह सकते हो कि दे आर कॉमन टू द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, उन्हें हम मेटलॉइड्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, आपका ये सारे क्या हैं, आपके मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो मेटल्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। नाउ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जैसे अभी हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस, लेकिन प्योर सब्सटेंस में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। सिंगल यूनिट इज एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स होकर के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर रेशियो में जब फिक्स होते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, हम मास के अकॉर्डिंग अगर उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। एंड दे कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, और इनको आप इजीली डिकम्पोज कर सकते हो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में, यानी जिन एलिमेंट्स से मिलके वो बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर कैसे बनता है, H प्लस हाफ ओ टू, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन 1 बाई मास 1 और ऑक्सीजन को हम 8 पार्ट लें, यानी 1 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन को अगर आप मिक्स करोगे तो 1:8 रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वाटर।
ये फिक्स्ड रेशियो है, अगर हम ये रेशियो चेंज करेंगे तो वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो 1:8 रेशियो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर। सिमिलरली कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसको बाय मास, अगर मास के अकॉर्डिंग इनका फिक्स रेशियो 3:8 यानी 3 पार्ट कार्बन का 8 पार्ट ऑक्सीजन का जब आप मिक्स करते हो तो हमें क्या मिलता है, 3:8 रेशियो में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये रेशियो फिक्स है, अगर इसी फिक्स रेशियो में हम इन्हें मिक्स करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कंपाउंड में कि जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करते हैं तो जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। यानी जैसे अगर वाटर मिला हमें तो वाटर का जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर कम्प्लीटली डिफरेंट, completely different from their constituent particles. constituent particles. जैसे कि अगर हम वाटर की ही बात करें, हाइड्रोजन क्या है, एक आपका कह सकते हैं कि ये जो है वो काफी ज्यादा फायर है या डेंजरस गैस है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, मैंने आपको क्या बताया कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ बनेगी यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। जैसे आपका हाइड्रोजन है वो एक कम्बस्टिबल गैस है, सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है, फायर को सपोर्ट करती है, यानी दोनों ही फायर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जब इन दोनों को आपने मिक्स किया और जो हमें नया प्रोडक्ट मिला वाटर, ये क्या करता है, फायर को बुझाने में हेल्प करता है, यानी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। इसी तरह से अगर आप बात करें NaCl की, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये आपस में 1:1 रेशियो में जब मिक्स होते हैं तो आपका क्या बनता है, NaCl। ठीक है, तो सोडियम ये बहुत ही ज़्यादा आपका एक्टिव मेटल है, एयर और वाटर के प्रेजेंस में इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा एक्टिव है। सिमिलरली क्लोरीन गैस भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, यानी इन दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है NaCl, ये बिल्कुल कॉमन सॉल्ट है जो हम डेली अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसके बिना हमारा कोई भी खाना जो है वो टेस्टी नहीं हो सकता। तो इन जब ये सेपरेट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जब सेपरेट थे तो दे आर वेरी डेंजरस, बट जब इन्होंने आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट फॉर्म किया, कंपाउंड फॉर्म किया, तो इनका इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, नाउ कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे जो हमें लिविंग थिंग्स से मिल रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, जिस और कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कंसीडर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और कार्बन को छोड़ करके जिस भी एलिमेंट से आपका कोई कंपाउंड बना है, जैसे लाइक सिलिकॉन से बना हुआ है या इसके अलावा किसी से भी कोई कंपाउंड बना हुआ है एक्सेप्ट कार्बन, वो आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसे भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, कार्बन वाले कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट से जो कंपाउंड बने हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सचर। जैसे कि मैटर को 2 कैटेगरी में केमिकल क्लासिफिकेशन किया तो उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, तो अब आता है मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर। तो जैसे कि मैंने कंपाउंड में आपको बताया था कि कंपाउंड में जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप किसी भी प्रोपोर्शन में रेंडमली जब आप मिक्स करते हो तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है मिक्सचर। यानी इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता बनता, सिर्फ आपस में ये मिक्स होकर के हमें मिक्सचर दे देते हैं। ठीक है, तो दे डू आफ्टर मिक्सिंग, अगर हम दो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो जो वो एलिमेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते,
अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। जैसे कंपाउंड में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन जब वो मिक्स हुए वाटर बनाया तो वाटर की अलग प्रॉपर्टी हो गई, इन दोनों की प्रॉपर्टी लूज हो गई और हमें नई प्रॉपर्टी मिली। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता, मिक्सर में जो एलिमेंट्स हैं या जो आपस में मिक्स हो रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे, यानी अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सर का। एयर में क्या होता है कि नंबर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे आर सो मेनी गैसेस जो है वो आपस में मिक्स होकर के एयर बनाती हैं। लेकिन इस एयर में ऑक्सीजन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते, ये अपनी इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सिर्फ आपस में मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई फिक्स रेशियो है वो मिक्स होता है, दे आर रेंडमली मिक्सड, जितने अमाउंट में प्रेजेंट है आपस में मिक्स होकर के एयर बना लेंगे। आपने रूम में जो भी एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन इतना अमाउंट में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये रैंडमली मिक्स हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करते। जैसे शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर, अब वाटर में हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर ही डिसॉल्व कर सकते हैं, हम 1 लीटर वाटर में 5 ग्राम भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 10 ग्राम भी डिसॉल्व कर सकते हैं, या 1 ग्राम भी डिसॉल्व कर सकते हैं, तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मिक्सर। और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता, जो वाटर है वो भी अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता, शुगर अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करेगा, वाटर अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टी, जो आप घर में चाय बनाते हो वो भी आपका एक गुड मिक्सर का एग्जाम्पल है, इसी तरह से मिल्क भी आपका एग्जाम्पल है मिक्सर, ठीक है। सॉइल, ब्रास इज द एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर, ठीक है। मिक्सर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस वर्ड से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है कि जब आप कोई मिक्सर फॉर्म करते हो, मिक्सर बनाते हो, तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो आपने मिक्स किए हैं, आफ्टर मिक्सिंग आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एलिमेंट्स या कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है, ठीक है। यानी दे फॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे शुगर सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका जो शुगर सॉल्यूशन बनता है, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि शुगर कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब है कि आफ्टर मिक्सिंग ये एक फेज या एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करते हैं, आइदर लिक्विड स्टेट में या जिस भी फॉर्म में ये मिक्स हुए हैं। जैसे एयर है, एयर में अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ गैसेस मिक्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गैसेस मिक्स होने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन कहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पर है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं, यानी यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड हो जाते हैं पूरे सिस्टम में, और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा जो एलिमेंट्स है या कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर है, ठीक है। तो आफ्टर फॉर्मेशन दे कैन बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन, हम इसे कह सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बना रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोप से भी स्टडी करोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं। तो एक होमोजीनियस, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म होता है, आइदर दे कैन नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी बट दे कैन कम्प्लीटली मिक्सअप टू ईच अदर, कि आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते और उन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मीन्स कि ऐसा कंपोजिशन जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये यूनिफॉर्म नहीं होते, यानी हम उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, ठीक है, यानी आप उसे अपने आईज से भी देख सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं वाटर में ऑयल को मिक्स कर दूँ, वाटर और ऑयल का मिक्सचर बना दूँ, तो वाटर और ऑयल का जब आप मिक्सचर बनाते हो तो आपको वाटर अलग दिखाई देंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग नज़र आएंगे। दैट मीन्स ये भी मिक्सचर है, बट ये कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। या फिर हम इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर।
सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या है कि हमने वाटर में इतना शुगर डिजोल्व कर दिया कि एट लास्ट पॉइंट वो सैचुरेशन पॉइंट आ गई और अब शुगर डिजोल्व नहीं हो सकता, तो आपको शुगर के पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे। सैचुरेटेड का मतलब यही होता है कि जहाँ पे डिजोल्व होना बंद हो जाए, तो डिजोल्व होना बंद कहाँ पे होगा, जहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप उस वाटर को देखोगे तो आपको उसके बॉटम में शुगर के पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे, तो ये हेट्रोजीनियस है। मतलब जो हमें कंपोनेंट्स हैं मिक्सर के, जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। तो इसे हम अपने आईज से भी देख सकते हैं। और ये जो कंपोजिशन, जो डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं, जैसे वाटर और ऑयल की बात कर रहे हैं, हमें ऑयल अलग नज़र आता है, वाटर अलग नज़र आता है, तो हम इन्हें फेजेस कहते हैं, ठीक है। बोथ आर इन लिक्विड फेज, बट हम इनको एक पर्टिकुलर बाउंड्री से सेपरेट कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर बाउंड्री से आप बता सकते हो कि ये वाटर है, ये ऑयल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सर। और यहाँ पे आपका ये पूरा ओवरऑल चार्ट है मैटर का, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया है, तो ये आप देख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा।